हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आज आपके लिए आया हूं कि दुनिया में पहली बार वैक्यूम क्लीनिंग की खोज किसने की थी। वैक्यूम क्लीनिंग की खोज हर्बर्ट सेसिल बूथ ने की थी, जो पार वैक्यूम तथा यह पता चल उनके द्वारा बनाया गया आविष्कार मिट्टी को ठीक करने, जबकि ये फेंकता है मिट्टी को। और 147 में गूगल ने एनिमेटेड गूगल डूडल बनाया, देखा जा सकता है कि शख्स लेट कर फर्श को साफ कर रहा है, घोड़ा बाहर वैक्यूम के लिए खड़ा है। और हर्बर्ट का जन्म 4 जुलाई 1871 में इंग्लैंड में गोलेस्टर में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंट्री स्कूल और कॉलेज में की। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग लंदन एंड सेंट्रल टेक्निकल कॉलेज से की। कॉलेज खत्म होने के बाद उनको 1884 में उनकी नौकरी लग गई थी। आपको जानकर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।